हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीडियो टेस्टर और मैं हूं प्रिया, जहां हम डेली यूज के प्रोडक्ट का टेस्ट और एनालिसिस करते हैं और आप तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, टेबल पे रखे इन रसगुल्लों को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम इन रसगुल्लों का टेस्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। ये रसगुल्ले टिन जार में आते हैं और ये 6 महीने तक खराब नहीं होते हैं। इस तरीके के रसगुल्ले अलग अलग ब्रांड्स बनाती है और हमने कुछ अलग अलग ब्रांड्स के रसगुल्लों को यहाँ इकट्ठा कर लिया है और आज हम इनका टेस्ट करके आपको बेस्ट रिजल्ट बताएंगे। दोस्तों, आज मैं इसका टेस्ट खुद नहीं करूंगी बल्कि कुछ लोगों से भी करवाऊंगी, तो चलिए टेस्ट करवाते हैं और जान लेते हैं कि इनमें से कौन सा रसगुल्ला बेस्ट है। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैंने इस टेस्ट में किस किस ब्रांड के रसगुल्लों को शामिल किया है। सबसे पहला है टेस्टी ट्रीट का, उसके बाद है बिकानो का, उसके बाद है हल्दीराम का और उसके बाद है अमूल का। ये सारे ब्रांड्स के रसगुल्ले मार्केट में इजीली अवेलेबल थे, इसलिए मैंने इन सभी को इकट्ठा कर लिया है और आज हम इन्हीं को टेस्ट करवा के जानेंगे कि इनमें से सबसे बेस्ट और टेस्टी रसगुल्ला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेस्टी ट्रीट के रसगुल्ले टेस्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम टेस्ट करवाएंगे बिकानो का। तो अब हम टेस्ट करवाएंगे अमूल का। नेक्स्ट चेंज करो। और अब हम टेस्ट करवाएंगे हल्दीराम का। Other comments? तो फ्रेंड्स, हमने सभी रसगुल्लों को टेस्ट करा लिया है और अब बारी है रिजल्ट्स जानने का। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि इन रसगुल्लों में से किसको कौन सा पसंद आया है। सबसे पहले आप बताइए आंटी, आपको कौन सा टेस्टी लगा और सॉफ्ट लगा? मेरे को सबसे अच्छा हल्दीराम का लगा और वो सॉफ्ट भी, उसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा है। और उसके बाद ये जो बिकाने का है वो भी सॉफ्ट है, लेकिन अमूल का थोड़ा कम है। और जो रीट का है वो चबाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो सॉफ्टनेस कम है उसमें। तो आप सबसे ज़्यादा टॉप पे किसको रखेंगी? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हल्दीराम। ओके, तो फ्रेंड्स, आंटी को सबसे ज्यादा पसंद आया हल्दीराम का। उसके बाद आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे, सॉफ्टनेस वाइज और टेस्ट वाइज आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हल्दीराम और बीकानेर सबसे अच्छा। हल्दीराम। आप बताइए आंटी, आपको कौन सा सबसे ज्यादा सॉफ्ट लगा और टेस्ट में भी अच्छा लगा? चारों का टेस्ट तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा हल्दीराम का टेस्ट अच्छा है और सॉफ्टनेस में भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमने टेस्ट कर लिया है और आप लोगों ने जाना कि रिजल्ट सबका हल्दीराम की तरफ है और इसमें कोई दो राय
राय नहीं है कि हल्दीराम सबसे ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट है, तो चलिए अब मैं भी इसको टेस्ट करके आप लोगों को अपना रिव्यू शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगा है वो हल्दीराम ही है। वो बहुत ज्यादा लाइट है और मीठा भी बिल्कुल इक्वल है, बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं है। चाशनी का जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत हैवी टेक्सचर नहीं है चाशनी का, और इसके वजह से हल्दीराम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट लग रहा है खाने में। तो मेरा भी हल्दीराम की तरफ ही रिव्यू रहेगा और मुझे भी हल्दीराम ही बेस्ट लगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने सिर्फ 2 महीने में अपना टारगेट अचीव कर लिया है। इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसी तरीके से आपके लिए टेस्ट और एनालिसिस करके आप तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुँचाते रहेंगे। Thank you for watching Video Tester. Bye.